जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता था, ठीक है। लेकिन यह है कि ये एक समझ लें बड़ा ही अच्छा माल है, बाकी दूसरे माल भी हैं लेकिन वो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि ये एक थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पहले नीचे खड़े होकर वीडियो बनाई थी जो आपको दिखाई थी। तो ये सारा फूड कोर है, अगर हम डिलीवरी भी लेने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से, और मैं गुज़िश्ता कुछ अर्से से रोमानिया में मुकीम हूँ और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको ये एक शॉपिंग मॉल का विज़िट करवाऊँगा। तो आज आया था, सोचा मैंने आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग मॉल, और ये मैं आपको दिखाऊँगा कितना लोंग है, और वहाँ से जाके आगे मैं फ्रंट से भी, इसके दो डोर हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये डोर आ रहा है आगे, ठीक है, और एक ही इसके बाद एक अगला डोर है, वहाँ से मैंने इंटर होना है। तो ये दोस्तों आगे मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, और यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको मैं कुछ शॉप्स पे दिखाऊँगा क्या रेट्स हैं चीज़ों के, ठीक है, शूज़ वगैरह के, और जितनी भी ये चीज़ें हैं सब के क्या रेट्स हैं यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह के। और दोस्तों मैं ये आज 15 दिसंबर, ठीक है, ये लाइटिंग वगैरह हुई है। वैसे भी नॉर्मल शॉपिंग मॉल में लाइटिंग वगैरह तो होती है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये आज जो शॉपिंग हुई है वो आज ये जो लाइटिंग हुई है ना, ये इनका क्रिसमस आ रहा है उस वजह से भी ये लाइटिंग हुई है, ठीक है। तो बाकी यार ये ठीक है, ठीक है, को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ मैं शॉर्ट्स बोलूँ। बाकी ये देखें, ये ब्रांड जितने भी हैं इसके अंदर, उन सब के ये नेम लिखे हुए हैं। ये न्यूयॉर्क एक इनका ब्रांड है LC, ठीक है, और आगे ये जितने भी पुल एंड बियर, ज़ारा, और ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो इनके नेम लिखे हुए हैं। तो ये आगे इसका एक डोर है जहाँ से मैंने इंटर होना है, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको विज़िट करवा सकूँ। कुछ दरअसल मैंने अपनी भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग की तो समझ नहीं आती कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। तो बाकी ये है कि बाकी आपको लाजमी कुछ ना कुछ दिखा दूँगा। ये जो दूसरा डोर आपको बता रहा था उसके पास मैं आ गया हूँ, लेकिन ये है कि मैं यहाँ से इंटर नहीं हो सकूँगा, ये 7 गाड़ियाँ जा रही हैं, आगे से टर्न होके आना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका दूसरा डोर है, अभी मज़ीद मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कुछ जी। तो दोस्तों यहाँ से हम इंटर होंगे इसके अंदर, और बाकी इंशाल्लाह दोस्तों कुछ दिनों तक मेरी वापसी भी है पाकिस्तान, और वापसी इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया से है, मीन के यहाँ से मैं सऊदी जाऊँगा, वहाँ से फिर पाकिस्तान जाऊँगा। तो इंशाल्लाह वो भी एक ट्रैवल व्लॉग बनेगा मेरा पूरा, तो कोशिश करूँगा मैं बनाने की और अपलोड करने की। तो ये बाकी चलते हैं अंदर, ये फ्रंट डोर है, और बाकी ये है कि आज भी हो सकता है रश थोड़ा सा कम हो, ये तो सैटरडे की नाइट को रश हो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल ये रश है यहाँ पे, क्योंकि इनका वो क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, तो क्रिसमस की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं मीन के शॉपिंग वगैरह करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश भी है, ठीक है। तो ये इसका एक अंदर का सीन है, काफ़ी लोंग है अंदर से भी, और ये शॉप्स हैं मुख्तलिफ, ये आलमोस्ट पाकिस्तान में भी सेम ही है सारी चीज़ें। तो लेकिन ये है कि फिर भी ये ज़रा यहाँ का शॉपिंग मॉल, और बाकी ये देखें ये ब्रांड्स हैं, और ये इनके अंदर कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें, जैकेट्स, बाकी मैं इंशाल्लाह कुछ शॉप्स में आपको जाके दिखाता हूँ व्यू, ठीक है। जैसे ये है कोलिंस, अब मैंने इसके अंदर जाना, मैंने यहाँ से एक दो शर्ट्स देखी हुई हैं, वो मैंने लेनी है, ख़रीदनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ वो भी। ये देखें ये जैकेट्स वगैरह लगी हुई हैं, अब ये 50% डिस्काउंट पे भी हैं ये जो जैकेट्स लगी हुई हैं। अगर हम इनकी प्राइस चेक कर लें तो ये देखें 469 रोन की थी, और अभी 239 की है, ठीक है, ये जैकेट है। और बाकी मुख्तलिफ जैकेट्स ये लगी हुई हैं, ये अब 319 रोन की है, ठीक है। और ये शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, अब ये शर्ट्स एक कितने की है, 89 रोन की है, ठीक है। ये पेंट्स हैं 160 रोन की है। वैसे सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं, लाजमी नहीं कि महंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो जैकेट्स लगी हुई हैं ये देखें, ये भी कोट्स लगे हुए हैं, अब इसकी क्या प्राइस है, ये भी यहाँ पे इसके साथ लिखी होगी। ये स्मॉल है, 329 लीक है, ठीक है ना, ले है, अब इसको आप खुद वो कर सकते हैं।
तो ये भी जैकेट्स हैं, और ये देखें ये इस तरह की जैकेट्स हैं, और ये पैंट्स लगी हुई हैं। बाकी मैंने इनमें से शर्ट्स लेनी है एक दो, मैं इंशाल्लाह लेता हूँ तो फिर मैं ट्राई करूँगा। दरअसल मैंने पहले चेक की हुई हैं यहाँ से आके, तो ये सीन है। तो ये देखें ये जैकेट्स का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। अब ये भी स्मॉल साइज़ है, साइज़ मेरा ही है, मुझे स्मॉल साइज़ ही आता है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको आगे कुछ और शॉप्स पे दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, यहाँ से दो शर्ट्स बाय कर ली हैं मैंने, ठीक है। अभी निकलते हैं आगे, और आगे से आपको कुछ ना कुछ मैं दिखाता हूँ, किसी शॉप में इंटर होंगे और वहाँ पे आपको सीन दिखाएंगे क्या है, ठीक है। और दरअसल ना यार, शॉपिंग अकेले करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं जब आ जाता हूँ ना मार्केट में, चीज़ें देख देख के समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो ये देखें ये लीव्स है, ये भी एक ब्रांड है, ये पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से है। तो ये यहाँ के लोग भी आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। मेरी कोशिश है मैं स्लो चलूं और आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं सारी चीज़ें। और ये इसका एक यहाँ से भी ये तीसरा डोर है इसका, और ये समझ लें इस माल का सेंटर भी हो सकता है। ये यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह है, ओके। और हाँ मैं आपको ये बता दूं, मैंने शर्ट्स तकरीबन ली हैं 180 रोन की, दो शर्ट्स हैं, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी हिसाब लगाएं तो मेरा भाई ये 10,000 रुपया बन जाता है। अगर बंदा पाकिस्तान का सोचता रहे तो फिर बंदा यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये देख लें, ये यहाँ का सेंटर है जो इसमें मीन के शॉपिंग मॉल में बना हुआ है, और ये ऊपर फूड कोर्ट है, ठीक है, ऊपर फूड कोर्ट है। वो ऊपर भी मैं जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स हैं, उनके अंदर मैं जाने की कोशिश करूँगा और आपको प्राइस दिखाऊँगा क्या प्राइस हैं। ये थोड़े से मीन के आला किस्म, ये जो एक कोलिंस है, और पता नहीं अब इसका नाम भी मैं सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, ये पुल एंड बियर है, एक ये ब्रश का है, पता नहीं अब इसको ब्रश का ही बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो ठीक है, ये ब्रांड्स हैं, ये तकरीबन अच्छे लेवल के हैं। एक और हैं वो एलसी हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, तो वो थोड़े से लो हैं, लेकिन यह है कि ये ठीक ब्रांड है। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह की ये जैकेट्स लगी हुई हैं, तो अगर इनकी हम प्राइस चेक करें तो ये 160 रोन का है। अब बाकी रोन का हिसाब आपने ली कह लें, रोन कह लें, ठीक है ना, वो चीज़ें आपने खुद ही हिसाब लगाना है। अब ये जैकेट है, ठीक है, ये भी तकरीबन 190 ली की है, ओके। और अब ये कापी राइट ना आ जाए मेरी वीडियो के अंदर, तो ये ट्राउज़र लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी 190 रोन का ट्राउज़र है। और अब ये यकीनन मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें ये जीन्स वाली जैकेट की, ठीक है, ये देख लें, ये स्मॉल है, और ये कितने की है, 249 रुपये की है, ओके। एंड दिस इज़ लॉन्ग कोट, एंड तो दोस्तों ये एक व्यू है इस शॉप का। बाकी मैं आपको मज़ीद इसके अलावा क्या दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये जैकेट लगी हुई है, इसका भी 250 रोन है, ठीक है। ये मैंने ट्राई की थी, अब मेरा मन था कि मैं ये ले के जाऊँ पाकिस्तान, डाल के जाऊँ ये वाली, तो लेकिन यह है कि मुझे वो इतनी ख़ास नहीं लगी, स्पेशल इतनी ख़ास नहीं लगी है। तो बाकी सोचूँगा इसके बारे में भी, अभी मैंने एक दो और शॉप से चीज़ें ख़रीदनी हैं। लें जी दोस्तों, ये डाल के चेक की है, ठीक है, अब ये कंफर्म तो नहीं मैं लूँ या ना लूँ। ये नीचे ट्राउज़र है, ठीक है, और ये अभी डाल के चेक की है इसमें, बाकी कवर को इग्नोर करना है, ये मेरा पेंट वाला कवर है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह ही जैसे पाकिस्तान में रूम बने हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने ये डाल के अब चेक किया, मैं देख रहा हूँ मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कन्फर्म करूँगा। बाकी शर्ट्स तो ले ली है, वो आपको दिखाया है, तो बाकी मज़ीद अब आपको करते हैं अपडेट। जी तो दोस्तों, अभी उस शॉप से मैं निकल आया हूँ, ठीक है, अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर, ये पहले मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे था, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। एक और ब्रांड है वहाँ पे, आपको दिखाते हैं कुछ ना कुछ,
ठीक है। बाकी वीडियोस में आप यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल और यकीनन ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद है मुझे कि बहुत से लोगों को इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि इस तरह आपको ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है और आप देख रहे हैं। अब ये अगर इन पेंट्स की बात करें तो इनकी प्राइस भी यहाँ पे होगी कहीं, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें रोन में 80 रोन की ये पेंट है, ठीक है। 80 रोन अब इस वक्त 47-48 रुपए रेट है। बाकी ये देखें ये सामने ये कोट लगे हुए हैं, अगर इनकी कोट की बात करें, ये जो वेलवेट के कोट हैं, ठीक है, तो ये देखें ये 280 रोन का एक कोट है, ओके। ये शर्ट्स हैं, वैसे तो मैं अभी लेके आया हूँ जो वो 80 रुपए की थी, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसके साथ की ही है। बाकी ऑल ओवर आप इसकी वो देख सकते हैं, जो भी यहाँ की फिनिशिंग है या जो भी मामला है यहाँ के जी दोस्तों। बाकी आपको इस शॉप का भी मैंने कपड़ों का विजिट करवा दिया, और बाकी अब यहाँ पे एक शॉप है रिजर्व्ड, जो ब्रांड है वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और चीज़ें मुनासिब भी हैं और अच्छी भी चीज़ें हैं, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ दोबारा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको वीडियो में आवाज़ भी सही आ रही होगी, ठीक है। एक तो ये देखें, ये जो मैंने नीचे से आपको दिखाया था, ये फूड कोर है, ऊपर थोड़ा सा आगे जाएंगे, और बाकी यहाँ तक से आप ये यहाँ का सीन है, ओके। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस शॉप के अंदर, और आपको यहाँ पे मैं यहाँ के को जो यहाँ पे आइटम है ये बच्चों वाले लगे हुए हैं, ओके। और बाकी ये दूसरी सारी आइटम्स हैं इधर, आदमियों वाली, लड़कों वाली, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हल्का सा लॉन्ग कोट है, अगर मैं आपको ये डाल के दिखाऊं तो वैसे इसकी प्राइस ये लगी हुई है 299 का, ठीक है ना। और ये पैंट्स लगी हुई हैं, ये 149 की है। और बाकी ऑल ओवर तकरीबन चीज़ों का रेट जो है वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। देखें ये भी उसी तरह के कॉटन ट्राउज़र, ये जो हाफ पास वाले अगर हम बोलें तो, ठीक है, 149 का है। ये भी हाफ पास वाले लगे हुए हैं, ये 200 रोन का है। ये मैं आपको लोन की ही प्राइस बता रहा हूँ, बाकी है कि आगे आपने खुद ही इसकी प्राइस को करना है, ज़रबे ज़रबे आपने खुद ही देनी है, ठीक है। ये पड़ी हुई है सब्जियों वाली, तो इसका अगर हम देखें क्या प्राइस है इसकी, तो इसकी प्राइस भी 180 रोन है, ओके। एंड लेट्स सी लें जी दोस्तों, इस शॉप से भी मैं बाहर निकल आया हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी मुझे पसंद कुछ नहीं आया, तो बाकी यार ये पसंद का बड़ा रोला होता है। तो बाकी ये देखें यहाँ पे अभी मैं एक और शॉप में जाऊँगा, न्यूयॉर्क ये शॉप का नेम है। यहाँ पे भी मैं दरअसल पिछले हफ्ते आया था तो कुछ शर्ट्स देखी थी, तो अभी वो मैं दोबारा देखूँगा, अगर मुझे कुछ समझ में आ गई तो ले लूँगा। बाकी मैं शूज़ वाली कोई दुकान आपको नहीं दिखा सका, वो दूसरी साइड पर है। बाकी शूज़ भी दोस्तों जो अगर आप बात करें, हम बात करें उसकी क्या उसको कहते हैं ब्रांड शूज़ की, तो दोस्तों जो एडिडास नाइकी है आपको वो तकरीबन 400-500 ली से कम नहीं मिलेगा, ठीक है, 400-500 रोन, ठीक है, ली कह लें रोन कह लें। तो बाकी ये देख लें, ये यहाँ पे लोग बैठ के ईटिंग, ये जो फूड कोर आपको नीचे से दिखाया था सेंटर का, तो ये यहाँ का माहौल है जो लोग बैठ के खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है वैसे, नॉर्मल ये रश होता है सैटरडे की नाइट को, ठीक है, लेकिन ये है कि आज अभी दरअसल इनके डेज चल रहे हैं, क्रिसमस के डेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी शायद नॉर्मल भी वैसे इतना रश होता ही है। तो ये आप सीन चेक कर लें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन यह है कि ये एक समझ लें बड़ा ही अच्छा माल है। बाकी दूसरे माल भी हैं लेकिन वो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि ये एक थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पहले नीचे खड़े होकर वीडियो बनाई थी जो आपको दिखाई थी, तो ये सारा फूड कोर है। अगर हम डिलीवरी भी लेने आए, फूड डिलीवरी का जब हम काम करते हैं, तो इन्हीं शॉपिंग मॉल के अंदर ये जो शॉप्स हैं KFC वगैरह,
तो यहाँ से हम लेके जाते हैं फूड डिलीवरी वगैरह। फाइनली मैं वापस इसी शॉप पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ शर्ट्स देखूँगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको वापसी बाहर लेके जाऊँगा। ओके मेरे जी दोस्तों, अभी इस काउंटर से मैंने बिल करवाया, ये दो शर्ट्स और ली हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। तो दरअसल ना मैं वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझता जब मैं काउंटर पे होता हूँ, इस वजह से अभी मैं इस शॉप की वो छत पे था तो छत से नीचे आया था बिल करवाने के लिए। तो अभी दोस्तों वापसी रात का टाइम था, मैं अभी जब विज़िट करने आया था तो तकरीबन क्या इसको कहते हैं 10 बजने वाले थे, तो इस वजह से अब जो शॉप्स बंद हो रही हैं। बाकी अब मैं चुप कर जाता हूँ, आप बस सीन देखें। अब मेरे ख्याल से लोग वैसे भी कम रह गए हैं। नहीं जी दोस्तों, अभी आपसे निकल रहे हैं जैसा कि आपको पहले मैंने बताया। ओके, वो उस साइड से मैं दाखिल हुआ था और अभी ये मैं इस डोर से वापसी निकल रहा हूँ। और अभी जो यहाँ से घर जाने का सीन है वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कैसा होता है। नहीं जी दोस्तों, अभी मैं बाहर निकल आया हूँ और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगेन एक दफ़ा फिर सीन देख लें। और अब यहाँ से मैंने जाना है अपने घर, और घर जाने के लिए मैं आपको ये छोटा सा एक सीन दिखा देता हूँ जिस बस से मैं अभी उतरा हूँ। सर्दी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब तो रात को थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी होती है, माइनस में दर्जा हरारत 4-5। मैं मेन कैपिटल में हूँ बुखारेस्ट में, तो इस वजह से क्या उसको कहते हैं उस वजह से अभी यहाँ पे माइनस में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन साइड वालों इलाकों में बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, ठीक है, -5, -7, -10 भी हो जाता है। तो ये सीन है। तो बाकी अभी ये थोड़ा सा मुझे चल के जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके मुझे वो मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हल्का फुल्का सा व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। और बाकी क्या उसको कहते हैं यार, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियां पैदा करें, जितने भी दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं रोमानिया में। और बाकी ये है कि मैंने वीडियो आपने देख ही ली है, तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं पाकिस्तान जाने से पहले ये अपलोड कर दूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मेरी कोशिश है, मैं ट्रैवल व्लॉग बनाऊँगा। तो दरअसल अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह पहले सऊदी अरब जाना, फिर उसके बाद पाकिस्तान जाना। तो जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।